हाँ तो लीजिए मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, हर इंसान कहता है कि मुझे भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ हमें त्याग करना होगा अपने जीवन में। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा। बताया गया है कि एक राजा के 360 रानियां थी। कितनी थी महाराज? 360 रानियां। वो राजा कहीं एक बार विदेश में घूमने के लिए गए। जब विदेश में घूमने के लिए जाने लगे हैं तो उन रानियों ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हो? कहा, मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूं विदेश में। महाराज ने कहा, हे रानियों, आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। कोई वस्तु चाहिए तो मुझे बता दो, लिख करके दे दो। आज सभी रानियों ने एक एक पर्ची पर लिखा। किसी ने लिखा कि मेरे लिए साबुन लेकर के आना, किसी ने लिखा कि मेरे लिए तेल लेकर के आना, किसी ने लिखा कि मेरे लिए रूमाल लेकर के आना, किसी ने लिखा कि मेरे लिए वस्त्र लेकर के आना। सभी ने अलग अलग अपने सामान लिख दिए एक अपनी अपनी पर्ची पर, किंतु बताया गया है कि एक रानी ने एक पर्ची पर अपना नाम लिखा। उसने किसी भी वस्तु का नाम नहीं, सिर्फ अपना नाम लिखा। महाराज जब विदेश में पहुंच गए, बहुत घूमे फिरे, उसके बाद में उन्होंने जब पर्चियों को देखा तो उन पर्चियों में रानियों ने अलग अलग अपनी अपनी वस्तु, किसी ने रूमाल, किसी ने साबुन, किसी ने तेल, किसी ने पाउडर, सभी ने अलग लिखा, लेकिन एक रानी ने अपना नाम लिखा। जब रानी ने अपना नाम लिखा तो महाराज ने दिल में विचार किया, अब मैं इसके लिए क्या लेकर के जाऊं? समझने की बात है, ध्यान करना मेरे सज्जन। महाराज ने दिल में विचार किया, मैं इसके लिए क्या लेकर के जाऊं? पता नहीं उसे क्या पसंद होगा। आज बहुत सारा सामान खरीदा और वापस आए तो सबसे पहले राजा उस रानी से जाकर के मिले, जिसने उपहार न लिखकर केवल अपना नाम लिखा था। राजा ने आकर के पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी जरूरत है, मुझे केवल आपकी जरूरत है, इन संसार की वस्तुओं की जरूरत नहीं है। महाराज ने जब इतने वचन सुने हैं तो वो बड़े ही प्रसन्न हुए, वो बड़े ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि रानी के ये विचार कितने अच्छे हैं। अब सोचिएगा, मेरे कहने का मतलब है, मेरे प्यारे, जगदीश से अगर तुम जगत मांगोगे तो आपको ये संसार मिलेगा, लेकिन उस जगदीश से अगर तुम ईश्वर से उस ईश्वर को मांग लो तो फिर आपको वो परमात्मा, वो ईश्वर मिलेगा। संसार और उसके पदार्थ छाया रूप हैं, बस सार है तो संसार को बनाने वाले प्रभु में है। क्योंकि रामायण में भी बताया गया है, एक आस हर मन राख, अर्थात एक हरि की आशा मन में रखो, परमात्मा को प्राप्त करने की आशा रखो, नानक दुख भरम भय जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु के स्मरण से सारे दुख भ्रम और भय भाग जाते हैं। इसलिए किसी संसार वालों से मांगो तो आपको वस्तु मिल जाएंगी, लेकिन परमात्मा से किसी वस्तु की चाह मत रखो, उस परमात्मा को ही मांग लो।
तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आइए गौर करते हैं इस भजन के द्वारा कितनी सुंदर बात लिखी है। सभी ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बड़ी ही सुंदर बात बताई है, इस संसार में भगवान से बढ़कर के हमारे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और उस परमात्मा जैसा कोई भी नहीं है। वो परमात्मा बड़ा अनोखा है, बड़ा विचित्र है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। यारे भगवान जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो सारे जहान में सबसे बड़ा है, महान है। उस परमात्मा का ध्यान करो, उस ईश्वर का ध्यान करो। अरे इस जग का करतार वही आधार वही दातार वही है, अरे इस जग का सबका भरदार वही है, मत पिता और बंधु सका जग में सबका भरदार वही है। निर्बलों अनाथों का, निर्बलों अनाथों का वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। प्यारे वो सारे संसार का आधार है, कर्तार है, भर्तार है, है? वो हमारा तुम्हारा सबका मात पिता है, उसी का ध्यान लगाइए। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। निर्बलों का भी मेरा ठाकुर है, मेरा प्रभु है। अरे इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में जो कुछ पाप करेगा, इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में जो कोई पाप करेगा, देख रहा कड़ कड़ में बसा कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। अरे देख रहा कड़ कड़ में बसा
ऐसा कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे ना वो जाने, जिसे ना वो जाने, ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। राधे प्यारे, इधर उधर जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कड़ कड़ में है, उसकी नजर से बचना बड़ा मुश्किल है। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हो, अरे जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हो, अरे इस पर संकट काल बिगड़ हो, हाल समझ कर छोड़ चुके हो, अरे इस पर संकट काल बिगड़ बे, हाल समझ कर छोड़ चुके हो, कड़े वक्त में भी, कड़े वक्त में भी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। हाँ तो सुनिएगा मेरे भगवत प्रेमियों, इंसान बुराइयों में तल्लीन रहता है, लेकिन अपनी बुराइयों को दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमारे तुम्हारे जीवन में कुछ दोष भी लग जाते हैं, वो किसके कारण लगते हैं? जैसा खाते हैं अन्न और वैसा होता है मन, इसलिए भोजन में बहुत बड़ा वशीकरण होता है, भोजन भी हमें शुद्ध करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए। जब शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, गलत विचार नहीं आएंगे। एक महात्मा जो राजगुरु के दरबार में गए, उपदेश करते थे, एक दिन वो राजा के महल में गए और वहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई। दोपहर के समय अकेले लेटे हुए थे, पास ही राजा का एक मूल्यवान मोतियों का हार खूंटी पर टंगा था। भोजन करने के बाद
विश्राम कर रहे थे तो खूंटी पर जब अमूल्य मोतियों का हार देखा, उनकी नजर पड़ी, उनके मन में लोभ आ, महात्मा जी ने हार को उतार करके सज्जनों अपनी झोली में रखा। समय पर अपनी कुटिया पर आए, इधर हार न मिलने पर खोज शुरू हो गई। मेरे प्यारे नौकरों से पूछताछ होने लगी, महात्मा जी पर संदेह का कोई कारण ही नहीं था, पर नौकरों से हार का पता भी कैसे लगता, वो तो बेचारे बिल्कुल अनजान थे। प्यारे पूरे 24 घंटे बीत गए, तब महात्मा जी का मन मनोविकार दूर हुआ और अपने कृत्य यानी अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। वो वहां से सुबह उठते ही तुरंत राज दरबार में पहुंचे, हाथ जोड़ करके महाराज के सामने आए। महाराज कल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अरे जहां मैं विश्राम कर रहा था आपके राजमहल में, वही खूंटी पर ये मूल्यवान रत्नों का हार टंगा हुआ था, मेरे मन में लोभ आया, मैंने इसे रख लिया। लेकिन जब सुबह में जागा तो मैंने सोचा ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। कहा महाराज कल तुम ले गए थे और आज वापस करने के लिए आए, ऐसा क्या? कहा महाराज क्या बताऊं, लेकिन मुझे ज्ञात है, मुझे अब ध्यान है कि कल मैंने जो भोजन किया था, जो अन्न खाया था, वो भोजन गलत था, अन्याय का था, अधर्म का था, इसलिए मेरा मन विचलित हो गया, मेरे मन में लोभ आया और मैंने ये काम गलत कर दिया। लेकिन उस अन्न का प्रभाव जब दूर हुआ तो मेरा मन निर्मल हो गया और मैंने जो गलत काम किया था उसका मुझे पश्चाताप हुआ, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, मैंने जो किया उस पर मुझे बड़ा ही खेद है, बड़ा ही मुझे खेद है महाराज, मुझे क्षमा करना। महाराज के चरणों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन खुद महाराज उनके चरणों में गिर गए। अरे महात्मन आप तो भगवान का स्वरूप है, अरे आपने मेरी आज आंखें खोल दी, अन्न का भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, महाराज आपने ये मुझे बता दिया, इसलिए हम भी आज से। सज्जनों मेरे कहने का मतलब है, हमें भी अपने जीवन में शुद्ध अन्न का, शुद्ध भोजन का प्रयोग करना है। अगर हमें अपने जीवन में शांति से रहना है और जीवन सुंदर व्यतीत करना है तो सात्विक भोजन और सुंदर भोजन को ही करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ये जीवन अनमोल है, बुराइयों को दूर करना है तो हरि का भजन करना पड़ेगा। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं क्या बताया है। इंसान दूसरों की बुराइयों में लगा पड़ा है, जरा हमें अपने अंदर भी झांक करके देखना चाहिए, हैं? कुछ बदले में भलाई भी करनी चाहिए प्यारे, जब ये जीवन सफल माना जाएगा। सुनिएगा भजन के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई गई है प्यारे। इंसान बुराई अपनी, इंसान बुराई अपनी सब दूर किए जा, सब दूर किए जा, और बदले में भलाई भी तू भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे।
एक शब्द को क्या लिखा है कवि ने, क्या करते हैं हम जीवन में है? सोचते नहीं है कि हमें प्रभु ने किस लिए भेजा था। छोड़ जोड़ शुभ कर्मों से नाता, छल कपट द्वेष की बिरती, छल कपट द्वेष की बिरती, सब दूर किए जा, सब दूर किए जा, और बदले में भलाई भी तू भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे। प्यारे, हमें अपने शुभ कर्मों का भी खाता खोलना चाहिए है? हम जीने के लिए अनेक अनेक तैयारियां करते हैं, लेकिन मरने की भी कभी तैयारी करनी चाहिए प्यारे है? मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। जब हम जाएंगे यहाँ से तो क्या साथ में लेकर के जाएंगे और क्या काम आएगा जो लेकर के जाएं हैं, ये भी ध्यान करना प्यारे। तेरा सुधार हो तो परिवार सुधरेगा, घर सुधरेगा परिवार तो संसार सुधरेगा। मत कभी बुद्धि बल धन का, मत कभी बुद्धि बल धन का, मगरूर किए जा, मगरूर किए जा, और बदले में भलाई भी तू भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे। प्यारे, जब हम सुधर जाएंगे तो परिवार सुधर जाएगा, और जब परिवार सुधर जाएगा तो ये संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। हरी बोल। सफल जन मन में दुख दर्द सफल जन जन का, भरपूर किए जा, भरपूर किए जा, और बदले में भलाई भी तू भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे, ओ भोले बंदे।
हम अपनी दिव्या से गुणगान करें और दूसरों से कराएं, ये तो बड़ा ही धर्म है, परोपकार है, ये भी हमें अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। इंसान बुराई अपनी, इंसान बुराई अपनी सब दूर किए जा, सब दूर किए जा, और बदले में भलाई भी तू भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ओ भोले बंदे, 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 ओ भोले बंदे। हाँ तो गौर कीजिएगा, मेरे सत्संग और संगीत के प्रेमियों, ये हमारी तुम्हारी छोटी सी जिंदगी है। जब जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तब तब राम का नाम, प्रभु का नाम ही हमारा सहायक होता है और हमारी तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए निरंतर हमें राम का नाम याद करना चाहिए, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन जो पैसे को कमाते समय प्रभु को भूल जाते हैं, वही सबसे बड़ा पाप बताया गया है। क्योंकि बताया गया है, हमारे पास जितना पैसा आता जाएगा, हम उतने ही दूर प्रभु के नाम से होते हुए चले जाएंगे। एक सेठ जी थे, उनकी दुकान के नीचे मेरे सज्जनों एक मोची रहा करता था, अपने चार पैसे कमाया करता था और बड़ी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरे दिन बड़ी मेहनत किया करता था, हरि का नाम लिया करता था, बहुत सुंदर सुंदर भजन प्रभु के गाया करता था। समय व्यतीत हुआ, एक दिन सेठ जी को बड़ी तेज बुखार आया। सेठ जी को बड़ा ही दुख हो रहा, कष्ट हो रहा। सेठ जी को आज उस मोची के जो भजन थे वो याद आने लगे। जब उन भजनों को गाने लगे तो उनका जो कष्ट था, जो बुखार था, वो थोड़ा कम हो गया। और ये अटल सत्य है प्यारे, जब हमारे शरीर में कहीं कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, अगर हमारा चित्त वहां रहेगा तो हमें कष्ट अधिक होगा, दुख अधिक होगा, लेकिन वहां से चित्त हमारा हट जाएगा तो हमें वो दुख, वो कष्ट कम महसूस हो। अब ऐसा ही हुआ, सेठ जी प्रसन्न हुए और सेठ जी ने प्रसन्न होकर के उस मोची को 50 रुपए दिए। जब 50 रुपए दिए, मोची उन पैसों को देख करके घबराने लगा, सोचने लगा मैं इनका क्या करूं। सारी रात्रि हो गई, उसे नींद नहीं आई, सोचने लगा कहीं कोई चोर ना आ जाए, मेरा कोई बदना कर दे। सुबह हुआ, अपने काम पर गया, दुकान पर गया, उन पैसों के बारे में ही सोच रहा था, मैं क्या करूं इन पैसों का, कोई धंधा डालूं या कोई काम डालूं, क्या करूं, कहां जाऊं। पूरा दिन निकल गया, प्रभु का नाम एक भी बार नहीं लिया। शाम को घर पर पहुंचा, उसने दिल में विचार किया, क्या मुझे लगता है कि ये पैसा मेरी जिंदगी में सुख और चैन को मुझसे दूर कर देगा। क्योंकि जब से ये पैसा आया है, तब से मेरा भजन भी छूट गया, मेरा काम भी छूट गया, चार पैसे कमाता था वो भी दूर हो गए। मोची ने वो पैसे सेठ जी को वापस कर दिए, कहा सेठ जी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं तो जो चार पैसे कमाता था उसी के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा।
तो प्यारे मेरे कहने का मतलब है कि जितना पैसा ज्यादा हमारे पास आता जाता है उतने ही हम प्रभु के नाम से दूर चले जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी जिंदगी है, हमें इसमें क्या करना चाहिए वो इस भजन के द्वारा बताया गया है, गौर कीजिएगा। मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है, क्या बताया है। ओ मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है, माटी की तेरी काया हो माटी में जानी है, मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है। अरे क्यों अभिमान करता है इस देह पर, ये भी एक दिन पांच तत्वों में बनी है और पांच तत्वों में ही मिल जाएगी, मिट्टी नहीं मिल जाएगी। बहुत सुंदर। किस बात का करना है अभिमान बता दे तू, क्यों करता है मनमानी ना दान बता दे तू। जो बात का करना ही अबे मान बता दे तू, क्यों करता है मन मानी ना दान बता दे तू, क्यों भ्रम जाल में ही, क्यों ब्रह्म जाल में ही जी ने की ठानी है। मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है। अरे क्यों अभिमान करता है और किस पर करता है, किसके लिए करता है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। इस जग में है सब प्रभु की माया है, जीवन तेरा दो दिन का, नस वर तेरी
काया है। जो कुछ इस जग में है सब प्रभु की माया है। जीवन तेरा दो दिन का, नश्वर तेरी काया है। ना सदा कोई रहता, ओ ना सदा कोई रहता। हाँ मिट जाती निशानी है, मानव तेरे जीवन की वो इतनी सी कहानी है। ये सब कुछ प्रभु की माया है प्यारे, क्यों घमंड करें, दो दिन की जिंदगानी है। आया है तब ईश्वर ने तुझको इंसान बनाया है। यारे 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। जब 84 लाख को तू भोग के आया है तब ईश्वर ने तुझको इंसान बनाया है। हो तू उसको भूल के क्यों, हो तू उसको भूल के क्यों। करता नादानी है, माटी की तेरी काया, माँ की मैं जानी है। सुंदर बात बताइए लास्ट बंद में कवि ने, गौर करिएगा सत्संग के प्रेमियों। नैया तेरी डोल रही है दूर किनारे से, बचना है तेरा मुश्किल भव सागर धारे से। नैया तेरी डोल रही है दूर किनारे से, बचना तेरा मुश्किल है भव सागर धारे से। वो कमजोर तेरी नैया, वो कमजोर तेरी नैया, सागर तूफानी
पानी है, माटी की तेरी काया, वो माटी में जानी है, मानव तेरे जीवन की वो इतनी सी कहानी है, माटी की तेरी काया, वो माटी में जानी है। तो गौर कीजिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस संगीत और सत्संग के महासंगम में बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। यह हमारा तुम्हारा मन बड़ा ही चंचल है, मन को हम कैसे शांत करें, मन को हम कैसे वश में करें, अनेका अनेक प्रश्न है हमारे तुम्हारे जीवन में। क्योंकि अगर मुंबई में आपने कोई बिल्डिंग देखी है तो एक पल में आप शरीर से यहां हो, लेकिन आपका मन एक पल में मुंबई की शहर करके आ जाएगा। इस मन को कैसे शांत किया जाए, मन और पानी में क्या बताया गया है, बड़ी सुंदर बात। जिस तरह पानी फर्श पर गिर जाए तो कहीं भी चला जाता है, उसी तरह मन भी चंचल है, कभी भी कहीं भी चला जाता है। मन को हमेशा सत्संग और भजन सिमरन के साथ हमें जोड़ना, जोड़ के रखना होगा। जैसे पानी को फ्रिज में रखने से ठंडा रहता है और आइस बॉक्स में रखने से सिमट कर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही मन फ्रीज रूपी सत्संग को ठंडा और शांत, मन रूपी सत्संग में ठंडा रहता है और शांत रहता है, और भजन स्मरण करने से सब सिमट कर एक होकर के वो परमात्मा में प्यारे लीन हो जाता है। जैसे बर्फ बाहर धूप में रखा जाए तो वो फिगल कर पानी होकर के इधर उधर बिखर जाती है, वैसे ही हम लोग भी माया रूपी धूप में सत्संग से दूर होकर के बिखर जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सत्संग और भजन स्मरण से खुद को जोड़ करके रखना है, तभी हमारा जीवन ये सफल होगा। क्योंकि ये दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, अरे ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो ये रिश्ते नाते ये परिवार किसका है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन यही परलोक सवारा। इस मानव जैसे शरीर को प्राप्त करके भी अगर हम अपने जीवन का कल्याण ना कर सके तो फिर बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बताया गया है ये साधनों का धाम है और मोक्ष के दरवाजे तक इसी मानव के शरीर के द्वारा जा सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। क्या बताया है कवि ने, बड़ी सुंदर बात, लेकिन ये गौर करिएगा भजन के द्वारा। प्रेम करना है तो प्रभु के नाम से और सत्संग से करना है। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दी जाएगी। ओ
मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो जगा दे जाएगी। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। प्यारे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब विनाशमान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है। एक परमात्मा ही सत्य है, और कुछ भी संसार में सत्य नहीं है, सब झूठा है, असत्य है। भैया बहना सब मतलब के कोई ना साथ निभाएगा। जब वक्त पड़ेगा ओ भैया कोई साथ में ना तेरे जाएगा। भैया बहना सब मतलब के कोई ना साथ निभाएगा। जब वक्त पड़ेगा ओ प्यारे कोई ना साथ में जाएगा। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। छोड़ो तुम मरगट की अब तुम याद करो। जब आग लगेगी इस तन में सब खाक राख हो जाएगे। यह महल दुमहला छोड़ो तुम मरगत की अब तुम याद करो। जब आग लगेगी इस तन में सब खाक राख हो जाएगी। मत प्रेम करो, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो दगा दे जाएंगे। तुम ढूंढ न पाओगे हमको,
हम जाने कहाँ सो जाएंगे। मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो दगा दे जाएंगे। तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, हम जाने कहाँ को जाएंगे। मत प्रेम करो, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएंगे। योगेश, इस दुनिया में कोई भी साथ देने वाला नहीं है, और क्या बताया है। है तन में सांस तेरे, तब तक सब तेरा तेरा है। उड़ जाएगा पंछी प्यारे, फिर कुछ ना यहाँ पर तेरा है। जब तक है तन में सांस तेरे, तब तक सब तेरा तेरा है। उड़ जाएगा पंछी काया से, फिर कुछ ना यहाँ पर तेरा है। मत प्रेम, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दी जाएगी। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दी जाएगी। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दी जाएगी। हाँ तो मेरे निर्गुड़ी भजनों की प्रेमियों, चलती हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक जंगल में हिरण रहता था, बड़ा ही मस्त मौला, इधर जाता है उधर जाता है, हरा चारा खाता है, मस्ती में झूमता है। कभी इधर सरयू पे, कभी उधर जंगल में, बड़ी ही मस्ती कर रहा है। कुछ दिन के पश्चात उस जंगल में एक शेर आ जाता है। हिरन को नहीं मालूम कि मेरे जंगल में कोई आ गया है, मेरे स्थान पर कोई आ गया है। वो अपनी मस्ती में घूमता है, शेर अपनी शिकार की तलाश में है, मगर लेकिन बार नहीं कर पाता है। एक दिन वो हिरन घूमते घूमते, और एक संत भगवान तपस्या कर रहे थे, वहां आ जाता है। जैसे ही आया तो वो अपनी इधर जाता है उधर जाता है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो संत भगवान ने जैसे ही देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हिरन अपने मन में सोचने लगा
कि मुझे देख करके ये रो क्यों रहे हैं। बोल नहीं सका क्योंकि बेजवान है। संत भगवान हिरण की तरफ देख रहे हैं और रो रहे हैं। मन की बात को समझा और हिरण से कहने लगे, ए भैया तू क्यों मस्ती में घूम रहा है, कहीं चला जा। हिरण भी सुनने लगा तो संत भगवान ने कहा कि हे भैया मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरे पीछे जो काल आ रहा है, तेरे सिर पे मौत आ रही है, उसे देख करके रो रहा हूं। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, मुझे चिंता तो केवल तेरी है कि तुझे पता नहीं और तेरे सिर पे काल आ रहा है। तो हिरण ने समझा और वहां से चला गया। इधर में भगवान अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं संत जी। इसी तरह मेरे भैयाओं, केवल बचना है तो चले जाओ, जैसे हिरण चला गया। और वो भी कहां चले जाओ, केवल भगवान की भक्ति के लिए। जितनी भक्ति करोगे उतना ही बचने का उपाय है। ये तो निश्चित है कि मौत को तो आना है, मगर लेकिन कुछ ऐसा कार्य हो जाए, कुछ ऐसा धर्म हो जाए जिससे शायद मौत भी कुछ पल के लिए टल जाए। इस विषय भोगों में धन दौलत के चक्कर में फंसा है बंदे, तेरे सिर पे मौत खड़ी है। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है, क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है, 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 क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। यमदूत तो कौन लूटेंगे,
सब घर वारे तेरे छूटेंगे। यम के दूत तो कौन लूटेंगे, सब घर वारे तेरे छूटेंगे। फिर जागो पल्ला छोड़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। जिस दिन से जा जग में आया, तूने धन तो खूब कमाया। जिस दिन से जा जग में आया, तूने धन तो खूब कमाया। सबसे जागो मुकड़ा मोड़ के रह जागी माया पड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। एक दिन आ जागो मर घट में, कछु रहे ना तेरी बट में। एक दिन आ जागो मर घट में, कछु रहे ना तेरी बट में। सब पाप तुझा गो गोड़ के तेरी बीते घड़ी घड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है।